डिफरेंट क्लासेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पोलिसक्राइड्स फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ पोलिसक्राइड्स देन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिसेक्राइड सम कॉमन पोलीसेक्राइड एंड द रूल ऑफ पोलिकर दिविंग ऑर्गेनिजम्स फर्स्टाइन पोलीसेक्राइड्स अच्छा अगर इसमें देखें पहली बात यह है कि दिस इज अ थर्ड ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट की तीन क्लासेस हैं मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड और जो फाइनल है या लास्ट क्लास जो है इसकी दे आर दी पोलीसेक्राइड्स पोली का लफसी मतलब होता है मैनी बहुत सारे एंड सैक्राइड मीन शुगर्स सिंपली हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे जो वैन मैनी मोनोसैक्राइड या सिंपल साब्यूनिट दे कम्बाइंड टूगेदर दे लिंक टुगेदर दे फॉर्म आ लार्ज मालिक्यूल विच इज कॉल्ड पोलीसेक्राइड पोलीसेक्राइड्स के अंदर बहुत सारे मोनोसेक्राइड यानी कि सिंपल साब्यूनिट्स जो एक दूसरे से लिंक होते हैं और एक बड़ा मालिक्यूल जो है वो बनाते हैं अब इसकी लिमिट्स अगर हम देखें मोनोसेक्राइड में तो एक सिम वन सब यूनिट है वो ठीक है डाई के अंदर दो सब यूनिट्स हैं तो पोलियोक्राइड्स के में बहुत सारी अब बहुत सारी के रेंज डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लेकर जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो ये है कि जब ट्वेंटी से ज़्यादा मोनोसेक्राइट सब यूनिट लिंक होती हैं तो हम इसको पोलियोक्राइड का नाम देते हैं यानी ट्वेंटी एंड मोर देन ट्वेंटी मोनोसेक्राइड सब यूनिट वैन दे लिंक टू इच अदर दे फार्म ऑफ पोलिसक्राइड मालिक्यूल उससे कम वाली को ओलिगोसेक्राइड कहेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज यानी वट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिसक्राइड फिजिको फिजिकल के लिए chemical, और केमिकल प्रॉपर्टी दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट जो पहले ही प्रॉपर्टीज की है कि वो टेस्ट अगर हम प्लांट जो है उसकी बार्क छाल जो है ड्राई छाल है जो होती है अगर हम उसको मुंह में रखें तो हमें कोई टेस्ट आएगा उसका नहीं आएगा हस्क है बस कहते हैं जो है वो ग्रेन्स वगैरह के ऊपर से जो निकलता है अगर आप उसको अच्छी तरह वॉश कर लें उसके ऊपर कुछ, कुछ कुछ साल्ट वगैरह ना लगे उसको मुंह में रखें आपको कोई टेस्ट नहीं उसका आएगा तो इसका मतलब यह कि जो पोलिसक्राइडस हैं दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट तो हम टेस्ट वाइज स्वीट नहीं है वो सॉलबिलिटी इन वाटर अच्छा कुछ जगहों पर लिखा था इनसॉलोबल इन वाटर लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा प्रिसाइजली लें ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन करें तो हम ये कहेंगे दे आर मोस्ट ऑफ देम दे आर इन्सॉलोबल इन वाटर ऑफ देम आर हैव लिटिल सोलबिलिटी इन वाटर ये कुछ पोलिसक्राइड हैं जो किसी आतक वाटर के अंदर सोलबल भी हैं तो इसका हम यूँ कहेंगे वेरी लिटिल सोलबिटी इन वाटर है आल द पोलिसक्राइड दे आर नॉ रिड्यूसिंग शूगर्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ठीक है ये सारे के सारे जो होते हैं वो जो जितने भी पोलीसेकट्राइड है सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग हैं जैसे स्टार्च है सेलोलोज है ग्लाइकोजन है काइटिन है ये जितने भी हैं वो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी में आएंगे जनरल फार्मूला ऑफ पोलिसक्राइड्स पोलिसकट्राइड का जनरल फार्मूला सी एक्स एच टू ओ वाई या इसको ज्यादा समराइज वे में अगर हम देखें तो इसमें यह होता है कि मोनोसेक्राइड साफ यूनिट एक दूसरे से लिंक होती हैं जैसे स्टार्च के अंदर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अपना फार्मूला होता है सी सिक्स तो एक ग्लूकोज दूसरा तीसरा ऐसा से ये लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ लेकिन जब भी दो ग्लूकोज लिंक होंगे तो एक वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा तो इट मीन्स वो जो ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स था वो ट्वेल्व में से टू हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ओ सिक्स में से एक ऑक्सीजन वाटर के लिए निकल जाएगी तो बाकी जो स्टार्च के अंदर या फिर ग्लाइकोजन के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होगा वो बेसिकली होगा सी सिक्स एच टेन तो ओ फाइव इसको एक और पैटर्न में हम रिप्रेजेंट करते हैं सी सिक्स एच टेन ओ फाइव को ब्रैकेट करके अगर एन एन फॉर नंबर ऑफ सब यूनिट्स जो है वो लिखेंगे इसको कॉमन पोलिसक्राइट्स पोलिसक्राइड्स की जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं उसमें ग्लाइकोजन है स्टार्च सेलुलोज एंड द काइटन। यहाँ अगर आप डायग्राम में देखें तो जो पहले तीन हैं ग्लाइकोजन स्टार्च और सेलुलोज ये तीनों की तीनों जो है वो दे आर दोलीसैक्राइड ऑफ ग्लूकोज ये ग्लूकोज के पोलीमर्स हैं यानी तीनों के अंदर ग्लूकोज मालिक्यूल जो है वो आपस में लिंक होते हैं और 1, 1, ग्लाइकोजन और स्टार्च के अंदर ग्लूकोज के मालिकूल वन फोर लिंकेज अल्फा वन फोर उसको कहते हैं जबकि जो स्टार्च है इसके अंदर सॉरी ग्लाइकोजन स्टार्च के अंदर अल्फा वन फोर है जो दो ग्लूकोज मालिक्यूल के अंदर लिंक है जबकि सेलुलोज के अंदर बीटा वन फोर है जिस तरह से जो काइटन है काइटन के अंदर ग्लूकोज नहीं है बल्कि ग्लूकोज की एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन ये एक ऐसा ग्लूकोज मालिकूल है जिसके साथ एसिटाइल अमानो एसिटाइल ग्रुप मौजूद है ठीक है इस एन एसिटाइल एन फॉर अमाइनो ग्रुप एसिटाइल यानी कि आगे ग्रुप मौजूद है तो इस एन एसिटाइल ग्रुप की वजह से इसको हम पूरा नाम क्या देंगे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन ग्रुप से अब जो है उसकी मॉडिफिकेशन हो गई है तो काइटन के अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जो है वो मौजूद होती है वट इज द रोल ऑफ पोलसेक्राइड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पोलिसक्राइड का जो मेजर रोल है इसके दो ब्रॉडली हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं द फर्स्ट वन their role as fuel storage and second one is their role as the structure in a structural component स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या स्ट्रक्चरल रोल इसका होगा storage acha अच्छा kise किसे कहते किसे हैं kehte कहते ऐसी चीज को जो किसी चीज को चलाती है जैसे गाड़ी के अंदर हम पेट्रल डालते हैं तो पेट्रल क्या है गाड़ी का फ्यूल है तो लिविंग ऑर्गेनिजम का फ्यूल क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा फ्यूल है ग्लूकोज मेनली ग्लूकोज हमारा फ्यूल है तो ये ग्लूकोज मिलेगा तो वो ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा अब जो जितने भी ये हमारे जो बॉडी के अंदर मेजर पोलिसक्रेड ग्लाइकोजन है या फिर हम फूड में स्टार्च लेते हैं तो स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या करते हैं कि ये ग्लूकोज माइन सिंपल मोनोसेक्राइड्स को आपस में स्टोर करके रखते हैं इनको और जरूरत पड़ने पर ये क्या करते हैं बॉडी को प्रोवाइड करते हैं जैसे ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के अंदर लिवर में और मसल्स में स्टोर होती है जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होगा तो ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करेगी और ग्लूकोज मालिक्यूल ब्लड में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन एक फ्यूल के तौर पर काम स्टोरेज फ्यूल है ग्लाइकोजन एक जो फ्यूल है जो ग्लूकोज उसको स्टोर करके रखा हुआ है इस तरह प्लांट्स के अंदर स्टार्च जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है और वही स्टोर्ड ग्लूकोज फिर हम यूज करते हैं उसको जो हम अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं इसको स्ट्रक्चरल रोल ऑफ पोलिसक्राइड पोलिसक्राइड का स्ट्रक्चरल रोल पोलिस अकेडमी को स्ट्रक्चर भी बनाती है या सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड कर रही है हमें फ्यूल का रोल ही कर रहे हैं ये प्रोवाइड तो स्ट्रक्चरल पोलिस में दो फेमस एग्जाम्पल जो है वो काइटन की है और सेलुलोज है काइटन इज द एग्जोस्केल्टन ऑफ आर्थरोपोर्ट दो ग्रुप हैं आर्थोपोर्ट के अंदर जिनमें काइटन पाया जाता है एक हमारे पास जो है इसमें इंसेक्ट्स हैं और दूसरे क्रस्टेशियंस हैं तो इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियन जो है वो उनका जो एग्जोस्केल्टन है दैट इज मेड अप ऑफ काइटन तो इसका मतलब तो जो स्ट्रक्चर है एग्जोस्ट जैसे हमारे अंदर बोन्स हैं तो बोन्स जो हैं वो हमारा स्केल्टन बनाती हैं तो सेम इज द केस के जो इनोवर्टिव इंसेक्ट्स हैं उनका काइटन जो एग्जो स्केल्टन बनाएगी सेलुलोज प्लांट जो है आप देखते हैं इतना बड़ा पौधा है और बिल्कुल हवा में खड़ा है उसको कोई सहारा देने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो इट इज़ इट्स उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली उसके सेलुलोज फाइबर्स हैं सेलुलोज फाइबर हैं कुछ इसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जो मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है वो सेलुलोज प्रोवाइड करता है